हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ ब्रेड उपमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही इजीली बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने टमाटर, गार्लिक, ग्रीन चिली और कैप्सिकम को चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने पोटैटो को चॉप कर लिया है और ये यहाँ पे मैं ऑनियन को चॉप कर लिया है और ये यहाँ पे मैंने 3 एग लिया है और इसके लिए लगेंगे हमें ब्रेड। तो अभी पहले हमें जो यहाँ पे एग है इसको फेंट लेना है, उसके बाद स्क्रैम्बल्ड एग बनानी है, एग भुर्जी बनानी है। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको फेंट लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे रिफाइंड ऑयल या फिर सनफ्लावर ऑयल ले लेंगे और उसके बाद अनियन फ्राई कर लेंगे। अनियन्स को थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करिए, उसके बाद बाकी जो सब्ज़ी है उस सबको धीरे धीरे मैं ऐड करती रहूँगी। अभी इसमें मैं ये लहसुन और ग्रीन चिली ये भी दे दूँगी। इसको भी थोड़ा सा चला लीजिए। अभी मैं यहाँ पे इसमें आलू डाल दूँगी और यहाँ पे गैस की फ्लेम को अब मीडियम रखिए। अभी मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। अभी डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से दीजिए। अभी इसमें मैं ये देखिए यहाँ पे कैप्सिकम चॉप करके रखा हुआ था पहले से ही, ये मैं दे दूंगी। उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाऊंगी और आप गैस की फ्लेम को स्लो कर दीजिए। और यहाँ पर मैं तब तक ये जो ब्रेड है इसकी स्लाइसेस कर लूँगी। और ब्रेड की यहाँ पे मैंने देखिए छोटा छोटा स्लाइसेस कर रही हूँ। छोटा स्लाइसेस करने से क्या होता है, मसाले अच्छे तरह से जाते हैं ब्रेड के अंदर। और अभी इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसको चला लीजिए। और अभी मैं इसमें डालूंगी गैस की ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला। यहाँ पे मैं चाट मसाला लिया हूँ गैस की और उसको भी इसमें मैं दे दूंगी। अभी मैं इसमें ड्राई रेड चिली पाउडर एंड क्यूमिन सीड्स पाउडर ऐड कर रही हूँ। इसको मैं घर पे बनाती हूँ ड्राई रेड चिली एंड क्यूमिन्स को थोड़ा सा सूखी आंच पे भूनने के बाद इसके पाउडर बना के मैं रख देती हूँ, तो वो ऐड करने से सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ जाता है। और मैं इसमें शुगर भी ऐड कर दिया है और अभी मैं ये जो ब्रेड की स्लाइसेस है इसको ऐड कर दूँगी और ऐड करने के बाद अच्छी तरह से चला लूँगी।
अभी मैं यहाँ पे टमेटो सॉस ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे मैगी की हॉट एंड स्वीट टमेटो सॉस यूज़ किया है। आप चाहे तो कोई भी टमेटो सॉस इसमें यूज़ कर सकते हो। टमेटो सॉस यूज़ करने से इसमें मतलब इसका स्वाद जो है बहुत ही चटपटा बनता है और बच्चों में को खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो पहले से एक की स्क्रैम्बल एग बना के रखा था वो भी डाल दिया है। अभी मैं इसमें मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ लास्ट में। इसको ऐड करने से इसकी टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। सारे मसाले मिलके इसमें एक चटपटा स्वाद आती है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप बिल्कुल घर पे एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। बहुत चटपटा स्वाद होता है इसका। बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये। मेरी बेटी को, मेरे घर में सभी को, ऑलमोस्ट सभी को ये बहुत ही पसंद है। बस इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। और एक बात कहना चाहूँगी आपसे, ये मेरी मम्मी की रेसिपी है।